और ये मौसम देख लो भाई, का तो सुहाना हो रखा है सुबह सुबह का। पेड़ भी ग्रीनरी में आ गया है। वेलकम टू अनदर व्लॉग और वी आर विद आवर प्रोटीन। तो आज हमें जाना है 9 बजे कॉलेज। आज सुबह बखत क्लास है, मतलब सुबह बहुत जल्दी जल्दी क्लास है आज हमारी 9 बजे से ही। तो जल्दी कॉलेज निकलना पड़ेगा, नहा धो के अपना कॉलेज निकलते हैं। भाई हो चुके हैं रेडी, तो चलो आ जाओ, चलते हैं कॉलेज साथ में। बस से ही जाना पड़ेगा अभी, तो मैं यहीं से अप डाउन कर रहा हूँ। जब बल्लभगढ़ पहुँच जाऊँगा तो वहाँ से फिर इतना वो नहीं लगेगा। भाई नाश्ते में हमारे पास है रोटी सब्जी बर्फ़ी और दूध। तो भाई हमने नाश्ता नुश्ता करके हो गया, हम रेडी, अब चल रहे हैं कॉलेज। कॉलेज के लिए निकलते हैं अब। भाई निकल दिए कॉलेज। इस बार हमारे ड्राइवर है हेमंत जी। हाँ जी, ये भी बहुत दस घंटे का ड्राइवर है। भाई कॉलेज का नज़ारा देख लो, यहाँ से ग्राउंड से पीछे की तरफ बैठा हुआ हूँ मैं, और यहाँ से पूरा ऐसा दिखता है कॉलेज। ये वो पीछे जो बड़ी सी 9 माले की बिल्डिंग दिख रही है आपको, ये है उसकी BSc डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है। यहाँ पे लाइब्रेरी है सामने, और ये मीडिया डिपार्टमेंट की बिल्डिंग है, और सामने वहाँ पे है एंट्री, ऊपर पीछे से मेट्रो जा रही है। यहाँ पे पूरा ग्राउंड फिलहाल तो खाली पड़ा है। मौसम भाई बहुत सही हो रहा है, बहुत बढ़िया मौसम हो रखा है फिलहाल तो, मतलब एरिया वगैरह बढ़िया है हमारे कॉलेज का। ये लग रहा होगा कि कॉलेज में मैं ऐसे ही बिना किसी क्लास व्लास के ऐसे बैठा हुआ हूँ। भाई मेरी क्लास रहेगी यार, मैं गेट पे मुझे कम से कम भी आधे घंटे खड़ा रखा है इन्होंने। अगर मैं क्लास में जाता तो मैं एंट्री नहीं देती, तो फिर मैं अब यहाँ पे ग्राउंड में पहुँचने वहाँ के चुप बैठ गया। सारे बच्चे क्लास ले रहे हैं, मैं यहाँ पर व्लॉग बना रहा हूँ, इतना खाली हो गया। खैर कोई बात नहीं, टाइम हो रहा है अभी 12:30 बज रहे हैं, अराउंड 1 बजे जाना है मेरे को। अपना डॉक्यूमेंट ले आऊँगा, अपनी एप्लीकेशन, नहीं तो भाई फिर अगले दिन तो इंटरव्यू बिल्कुल बंद कर दी जाएगी मेरी। भाई 1:30 बज गया, अपने डॉक्यूमेंट को लेने जा रहा हूँ मैं अब, डॉक्यूमेंट मतलब अपनी एप्लीकेशन को लेकर जिससे मुझे एंट्री मिलेगी। तो भाई मुझे मिल गया मेरा डॉक्यूमेंट, अब व्लॉग में थोड़ी सी एनर्जी आ गई है। मेरा मिल चुका है एप्लीकेशन, मेरी एंट्री की एप्लीकेशन। तो अब थोड़ा स्ट्रेस फ्री लाइफ जियेंगे हम। बहुत स्ट्रेस में था, थोड़ी सी एनर्जी कम थी वीडियो में, पूरी एनर्जी आ गई है। तो चलो अब आगे रिकॉर्ड करते हैं। भाई अब कॉलेज से फिर के मोमोज खाने आ गया है, वैसे तो पैसे मैं ही दे रहा हूँ। अरे रुकना, तो भाई 1 सेकंड आपको एक बंदे से मिलाता हूँ। रो रहा है पता नहीं क्यों। भाई क्यों रो रहे हो भाई आप? मैं नहीं रो रहा, क्यों रो रहे हो? जबरदस्ती रोलवा भाई क्यों, मतलब इतनी देर से, बहुत देर से रोए जा रहे हो, क्या बात हो गया? नहीं मतलब किसने हार्ट अटैक कर दिया आपको, क्यों रो रहे हो, बहुत देर से रो रहे हो भाई? किसने करा है? वो जा चुके हैं यहाँ पे, ये हमारे भाई मोमोज खाते हुए फ्री के पैसों के। अगेन वी आर एट रेडी क्लेटी ना, मोमोज खा के अपना निकल दिया यार। आज तो पूरा दिन बिजी सा रह गया, तो आज रिकॉर्ड नहीं कर पाया, तो कोई दिक्कत नहीं, कल रिकॉर्ड करते हैं अपना ढंग से। तो चलो मिलते हैं कल, बाय बाय। 5 बजे की बस, 4:57 हो गया, मेरे को डर लग रहा है कि यहीं ना रह जाऊँ मैं। हेलो भाई, इस सीज़न का IPL शुरू हो चुका है, आज पहला मैच है IPL का। और भाई मैं तो एज यूजुअल चेन्नई के फेवर में हूँ, चेन्नई जीतेगा, अपना माही भाई जीतेगा। और भाई पंकज तू बता कौन जीतेगा? भाई मैं तो गुजरात के फेवर में रहूँगा। तो भाई ये तो वैसे गुजरात के फेवर में है, हार्दिक पांड्या के फेवर में, मैं तो अपने माही भाई के फेवर में हूँ, वही जीतेंगे मुझे पता है। देखते हैं चलो क्या होता है मैच में। ये लो भाई, जिस चीज़ का सबको इंतजार था, माही भाई की बैटिंग। तो भाई फाइनली माही भाई की बैटिंग आ चुकी है, और यार ये ऐड आ गई भाई। चलो कोई नहीं, माही भाई तैयार है अपना छक्का लगाने के लिए। पहली बॉल पे छक्का लग जाए भाई, मज़ा आ जाएगा। ये लो भाई चला दिया बल्ला। तो भाई इसी शॉट के चक्कर में पूरा, मतलब मैं रात को जग रहा हूँ, 9:30 बज रहे हैं, आप देख रहे हो ऊपर घड़ी में। इस एक छक्के के चक्कर में मज़ा आ गया यार, इसी के लिए पूरी ऑडियंस सब जगह धोनी धोनी हो रखी है, पूरा मज़ा आ गया एक शॉट देख के। और इसी शॉट से मुझे लग रहा है कि चेन्नई पूरा जीतेगी भाई, पूरा मैक्सिमम मार दिया यहाँ पे। ये देखो स्लोमो में पूरा कितने मीटर का लगाए। अस्सी 82 मीटर का छक्का होगा। हाँ भाई बढ़िया मार दिया। और ये माही भाई की आखिरी गेंद, देखते हैं क्या होता है इसमें। अरे भाई हिट तो किया है, नहीं 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 बच्चे बच जाएगा। तो भाई यहाँ होती है CSK की बैटिंग समाप्त, सुबह हो चुकी है, देखते हैं। और रात को मैंने पंकज ने शर्त लगाई थी, उसने बोला था कि गुजरात जीतेगी, पर यार वही जीत गया इसमें, तो गुजरात जीत गई। माही भाई ने एक छक्का मारा, एक चौका मारा, उसके बाद भी यार चलो कोई नहीं, आगे चल के तो फाइनल में तो चेन्नई जीतेगी, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप कौन सी टीम को फेवर कर रहे हो। और भाई अभी तक तो मैं यहीं से अप डाउन कर रहा था, मतलब मोहना से बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से मोहना कॉलेज के लिए।
लेकिन अभी मैं चला जाऊंगा बल्लभगढ़ और वहीं से मतलब बल्लभगढ़ वाले घर से ही अप डाउन करेंगे कॉलेज के लिए, तो वहाँ से बहुत ही नज़दीक पड़ता है, मतलब 3-4 किलोमीटर यहाँ से पड़ जाता है, 30-40 किलोमीटर। तो चलो आपको बल्लभगढ़ वाला घर दिखाते हैं भाई। फिलहाल बल्लभगढ़ वाले घर पे जाने का प्लान तो हो गया कैंसिल, बट अभी मैं मेरे को बी के चौक जाना है, जहाँ पिछले वाला जो काम किया था हमने वहीं पे जाना, तो वहीं चल रहे हैं अभी। आपको लग रहा होगा कि चलो वीकडेज में तो हम जाते हैं कॉलेज और वीकेंड्स में हम कहाँ जाते हैं, मतलब बी के चौक, तो वो आपके लिए सरप्राइज है, वो थोड़े देर में रिवील कर दिया जाएगा कि हम वीकेंड्स में कहाँ जा रहे हैं। तो भाई तो आपको बता ही देता है कि वीकेंड्स में हम कहाँ जाते हैं, तो बेसिकली YMCA का एक क्लब है, क्राफ्ट क्लब, जिसमें स्पिरिचुअल नॉलेज वगैरह के जो लेक्चर्स और सेमिनार्स लगते हैं, तो उनमें हमें कंपलसरी जाना पड़ता है। वहाँ पे कई बार बहुत बड़े बड़े लोग भी, एक बिंद्रा सर आए हैं और बड़े बड़े संत महात्मा आके वहाँ पे स्पिरिचुअल नॉलेज की बताते हैं, वैल्यूज़ ऑफ लाइफ के बारे में बताते हैं, तो वो सभी वहाँ पे बताया जाता है एथिक्राफ्ट क्लब में। और वहाँ पे इसलिए मैं और सुमित, जो कि एथिक्राफ्ट क्लब का एक मेंबर है, तो उसी ने, सुमित ने करवाया था मैंने एथिक्राफ्ट में, तो वहाँ पे जाते हैं हम। इसके अलावा मैं NSS का मेंबर भी हूँ, तो बच्चों को पढ़ाने जाना होता है, तो उसके लिए भी हमें वीकेंड्स में जाना पड़ता है। सुमित तो नहीं है NSS का, लेकिन मैं हूँ, तो उसके लिए भी जाना पड़ता है NSS में। और बताइए भाई कहाँ जा रहे हैं, हम बताओ कुछ ऑडियंस को। बढ़िया यार, यहीं जा रहे हैं अपने क्लब के लिए, थोड़ा बहुत नॉलेज वॉलेज गेन करना भाई। उसमें मतलब बिल्कुल ऐसा स्पिरिचुअलिटी का ज्ञान दिया जाता पूरा एथिक्राफ्ट क्लब। हम तो सजेस्ट करेंगे सभी को कि एथिक्राफ्ट क्लब ले लो, और साथ साथ में अगर वो भी ना मिले तो NSS ले लो, मतलब जब कुछ ना मिले तो NSS ले लो। ऐसे क्राफ्ट में थोड़ी सी वैल्यूज मिल जाती हैं, वो NSS में जाके तबाह हो जाती हैं, तो फिर इसलिए हम थोड़ा सा गेन करने फिर दोबारा से ऐसे क्राफ्ट में आ जाते हैं। कुछ करने के बाद जब कुछ ऑप्शन ही ना बचे, मतलब संसार से सारी उम्मीदें ही टूट जाए, तब NSS ले लो भाई। मतलब हमारे साथ तो ऐसा होता है कि हम यहाँ से एथिक्राफ्ट क्लब से थोड़ी सी नॉलेज ले जाते हैं, NSS में जाके वो तबाह कर आते हैं, फिर दोबारा हर शनिवार एतवार को नॉलेज लेने आ जाते हैं फिर। तो ये चल रहा है भाई जीवन में। वैसे तो हम चाहते थे कि आपको अंदर से दिखाया जाए पूरा, लेकिन अभी सुमित ने बताया कि अंदर अलाउड नहीं है कैमरा यूज़ करना या फ़ोन चलाना, तो भाई अब तो उसके बाद में ही आके मिलते हैं आपसे भाई। हम अपनी सेमिनार से वापस आ चुके हैं, ये हमारा भाई सुमित खड़ा है अभी, और सेमिनार में आज बहुत ही ज्ञान की बातें बताई गई, वो हम बता नहीं सकते आपको, नहीं तो ज्ञान शेयर हो जाएगा ना, उसके लिए आपको एथिक्राफ्ट क्लब ज्वाइन करना पड़ेगा। तो अभी हम चल रहे हैं कुछ खाने, इतनी देर से चलाता चलाता मेरे को यहाँ ले आया, खिला कुछ रहा नहीं है। अरे भाई यार आने वाली है बस लोकेशन थोड़े टाइम, हमने सोचा कि ठेले ठालों पे क्या ही खाना, तो अभी सुमित भाई थोड़ा सा इसका थोड़ा फ़ायदा हो गया मार्केट में, तो हमें हल्दीराम पे ले आया, पूरे मॉल पे ले आया, अभी देखते हैं क्या खिलाता है। यहाँ पे आए हम खाने, बहुत तगड़ा मॉल है फरीदाबाद का, पूरा पूरा बहुत ही ऊंचा ऊंचा, ये पूरे फ़ोन में कवर भी नहीं हो पा रही है, इसमें बहुत महंगा महंगा सामान मिलता है सुमित भाई जैसे महंगे लोगों के लिए। आज इतना अमीर कैसे हो गया भाई, आज तो यहाँ कैसे आ गया, हमेशा से ही था मैं, पर दिखाने का मौका आज मिला है। ओके जी, पहुँच चुके हैं घर, तो आज का दिन भी होता है यहाँ समाप्त, तो आज पूरा दिन भी बिजी सा ही था। आज एथिक्राफ्ट से आने के बाद हम खाने वाने गए, उसके बाद सीधा मैं घर आ गया बस में बैठ के। तो चलो ठीक है फिर, कोई नहीं, अब कल करते हैं ब्लॉगिंग, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब।